वीडियो देखने के बाद रेसिपी अगर पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक्स जरूर दीजिए। वेलकम टू फूड्स। आज हम बनाएंगे लौकी के टिक्की। तो लौकी को कद्दूकस करके बेसन और करके ये वाला रेसिपी तैयार करेंगे। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। दो लौकी को मैंने कद्दूकस करके लाए, उसका छिलका निकाल के और अंदर वाला हिस्सा सीड्स निकाल के, उसके साथ 6 टेबलस्पून बेसन। मसाला पाउडर में मैंने लिया है जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सबको मैंने हाफ हाफ टीस्पून लिया है। कुछ धनिया के पत्ते को धो के छोटा छोटा टुकड़ा करके लिया है। ये 1 इंच पीस अदरक को कद्दूकस करके लिया है और उसके साथ स्वाद अनुसार नमक। पहले कद्दूकस किया हुआ लौकी में हम सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। मसाला पाउडर, बेसन, धनिया का पत्ता, नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे उसमें 4-5 टेबलस्पून। उसको अच्छे से मिला देंगे। हाथों में इस तरीके से हमको टिक्की बना के फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम में मैंने ऑयल को गरम किया है। उसमें हाथों में शेप दे के एक के बाद एक टिक्की डालते जाएंगे गरम ऑयल में। ज्यादा हाई भी नहीं रखना है ऑयल को, नहीं तो एक साइड पे जल जाएगा हमारा टिक्की और बीच में से कच्चा रहेगा। 2 मिनट हो चुका है, इसको पलटा देंगे। दूसरे साइड भी 2 मिनट हो चुका है, चेक करते हैं। दूसरे साइड भी अभी कुक हो चुका है, हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसको अभी एक प्लेट में निकाल देंगे। टिक्की अभी तैयार है, सर्विंग के लिए अरेंज कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा ड्राई कोकोनट पाउडर डाल के उसको गार्निश कर लेंगे। तो अभी हमारा लौकी की टिक्की बनके तैयार है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये बिना अनियन गार्लिक वाला रेसिपी है। तो कुछ लोगों को अनियन वगैरह चलता नहीं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।